हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ये हमारा इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर होगा। हम लोग छत्तीसगढ़ का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफिकल सिचुएशन है और छत्तीसगढ़ का सिम्बॉलिक साइन, और उसके पहले के लेक्चर में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ की स्टेट जो ट्री है, बर्ड है वगैरह वगैरह क्या क्या है। अब हम लोग इस लेक्चर का मोस्ट प्रोबेबली ये आज का लास्ट, मतलब इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम लोग पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ था, उसके बाद यहाँ पे जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कहाँ कहाँ पे है, नगर निगम कहाँ कहाँ पे है, जो लैंडलॉक जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जो नेबरिंग बाउंड्रीज है वो कहाँ कहाँ पे, तो वो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट को याद करने की कोशिश करते हैं, बट उसको अगर मैप वाइज समझा जाए तो बहुत आसानी से वो चीजें वो ट्रेस हो जाती है। तो आज हम लोग उस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं एक रफ मैप बनाता हूँ छत्तीसगढ़ का, और ये आप लोग को भी कोशिश करते रहना है कि इसको बार 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 प्रैक्टिस करना, जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये मैप को फटफट बनाना, और उससे चीजें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का मैप से। एक रफ मैप है ये, ऐसा ये एक, ठीक है, ये आउटलाइन हो गया। यहां पे एक लाइन खींचनी है, यहां पे एक लाइन खींचनी है, और एक लाइन यहां पे खींचनी है, ठीक है। ये एक लाइन हो गया ऐसा वाला, जिसको बोलते हैं दुर्ग, लेकिन इसको अपन बाद में खींचेंगे, ठीक है। यहां पे दुर्ग संभाग है, ये रायपुर संभाग। तो अभी हमने बनाया है ये सरगुजा संभाग, ये हो गया आपका बिलासपुर संभाग, और ये यहाँ पे दुर्ग है और यहाँ पे रायपुर है, अभी नहीं बना रहा हूं, और ये पूरा बस्तर संभाग हो गया, ठीक है। ओके, चलो अभी बना के मैं इसको इन लोगों का डिवीजन देख लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये पूछा जाता है, जैसे देखिए डिवीजन टोटल हमारे पास पांच है। कौन से पांच, वो आपको पता होगा, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर, ये पांच डिवीजन है हमारे पास। उसके बाद इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। अब देखिए एरिया वाइज अगर देखा जाए तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये अगर सीक्वेंस में जमाने बोल दिया तो फिर कैसे जमाएंगे। तो याद रखिएगा सीक्वेंस, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ओके, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले बस्तर में, दूसरा है, इसके बाद ऊपर आ जाइएगा सरगुजा, ठीक है, तीसरा बिलासपुर, चौथा अब आ जाइए रायपुर, और पांचवा है दुर्ग, ठीक है। ये पांच डिवीजन हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, और ये एरिया वाइज ये जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में ये इनको रखा गया है, ठीक है। अगर प्रॉपरली कभी क्वेश्चन डीप में जाता है और कोई पर्टिकुलरली डिवीजन का एरिया स्पेसिफिक पूछ लेते हैं ये कितने एरिया में फैला हुआ है, तब क्या करना है, ठीक है। तो इनका ये देख लीजिए, ये जो एरिया है वो है 39,000 को मैं के से रिप्रेजेंट करूंगा, 39,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये बस्तर डिवीजन फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको सरगुजा है, 3 को 1 कम कर लीजिए 2, और 9 को 1 कम कर लीजिए 8, तो ये जो इसका सरगुजा डिवीजन का एरिया है वो है 28,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं बिलासपुर में, तो बिलासपुर में टोटल इसका 2 कम कर लीजिए वो है 26,000, मतलब ये 39, ये 28 और ये 26, ओके। उसके बाद रायपुर में आते हैं तो ये है 22,000 और ये है 21,000, ठीक है। तो 39, 28, 26, 22, 21, ये एरिया वाइज यहां पे है। उसके बाद अगर हम लोग को ये पूछा जाए कि कोई संभाग, कौन सा संभाग किस ईयर में फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो फिर हम लोग को याद रखना चाहिए सबसे पहले 1956 में ये दोनों संभाग बने थे,
1956 वही ईयर है जब मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस एंड बनारस से अलग हुआ था और एक अपना एक स्टेट बना था मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ लिंक्ड अप था। ठीक है, तो ये दोनों संभाग बनाया गया था 1956 में। उसके बाद आते हैं बस्तर संभाग, ये 1981 में इसको एक संभाग का दर्जा दिया गया था 1981 पे। फिर अगला जो संभाग बना सरगुजा वो 2008 में बना, और दुर्ग तो 2014 में, सबसे रिसेंट जो संभाग बना है वो है दुर्ग 2014 में। ठीक है, 1956 1956, और ये आपका जो बस्तर है ये 1981 का है, और कौन सा बच गया आपका बिलासपुर सरगुजा 2008 का है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था जो इस चैप्टर के लिए काम आता। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, अब डिवीजन के बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके डिस्ट्रिक्ट पे देखते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट है, देखिए इसका मैं डिस्ट्रिक्ट बनाऊं तो ये देखिए यहां पे ये बिलासपुर है वगैरह ये सब संभाग है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन में देखिए टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं हमारे पास, वो है 27, 27 डिस्ट्रिक्ट है। अब ये 27 डिस्ट्रिक्ट कब कब फॉर्म हुए ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये कौन से ईयर में हुआ, ये कब किससे अलग हुआ, तो मैप के थ्रू अगर समझा जाए कौन किससे अलग हुआ तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो देखिए इसमें पहले ईयर याद कर लेते हैं सीक्वेंस वाइज, उसके बाद फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो 1861 का डेट याद कर लीजिए, 1861, ठीक है, फिर 1906, ठीक है, फिर 1948 जब सारे प्रिंसली स्टेट्स मर्ज हो रहे थे इंडियन यूनियन में, तो ये 1948 वाला डेट याद रख लीजिए। 1906 तो आप लोगों को वैसे भी पता होगा जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ था, तो ये 1906 वाला है। और 1861 जो ये इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद याद होगा कि ये जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इंडियन पैनल कोड वगैरह IRPCC IPC, CPC वगैरह ये सब इसी समय आया था, जितने लॉस थे वो 1861 पे आए थे। फिर 1948 के बाद आते हैं 1972 और उसके बाद 1998, फिर 2007 और फिर 2012। टोटल हमारे जो छत्तीसगढ़ में 27 डिस्ट्रिक्ट है वो इन इन ईयर में 3, 3, 6, 7 इस 7 ईयर में ही पूरे फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो बस याद रखना रहता है कि कौन कब हुआ है। तो फर्स्ट अब हम लोग देखते हैं, देखिएगा 1861 में हमारे पास दो डिस्ट्रिक्ट था, वो था बिलासपुर प्लस रायपुर। मैं याद दिला देता हूं, यहां पे एक और डिस्ट्रिक्ट था वो था संबलपुर, ये भी इसी 1861 में बना था और उस समय छत्तीसगढ़ का पार्ट था संबलपुर, लेकिन बाद में संबलपुर को दे दिया गया उड़ीसा को और हमारे पास आ गया हमारा दुर्ग, मतलब दुर्ग को एक वो डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को लेकिन संबलपुर को काम नहीं रखना है, हमको तो बिलासपुर रायपुर भी याद रखना है, और बिलासपुर रायपुर कब बना तो बना 1861 पे। फिर 1906 में आते हैं तो ये वाला जो इसमें दुर्ग को एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। तो 1906 तक हमारे पास तीन डिस्ट्रिक्ट थे, बिलासपुर रायपुर जो 1861 पे बना है, और 1906 में बना है दुर्ग। ओके, फिर आते हैं 1948 में, बस ये याद रखिएगा कि 1948 में जितने प्रिंसली थे मतलब जो बड़े बड़े थे उनको एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। तो हमारे प्रिंसली में सरगुजा सबसे बड़ा आता है, फिर रायगढ़ आता है और बस्तर आता है, ये तीनों को लिख लेते हैं, बस्तर प्लस रायगढ़ प्लस सरगुजा। ठीक है, ये तीन डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो टोटल 1948 तक हमारे पास 3, 3, 6 डिस्ट्रिक्ट थे 1948 के बाद। और ये भी मान सकते हैं कि 1956 में जब मध्य प्रदेश से मतलब मध्य प्रदेश अलग हुआ था और मध्य प्रदेश अपने स्टेट बना था और छत्तीसगढ़ का पार्ट था, तब हमारे छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है कि 1956 में जब मध्य प्रदेश अलग हुआ था या मध्य प्रदेश जब सेंट्रल प्रोविंस से अलग हुआ था तो कितने डिस्ट्रिक्ट थे।
उसके बाद आते हैं 1972 में ये दुर्ग एक बड़ा सा संभाग मतलब एक डिस्ट्रिक्ट था, इससे राजनंद गांव को अलग किया गया था। तो यहाँ पे राजनंद गांव को मैं ऐसे लिख लेता हूँ RNG, ठीक है। अब देखिए 1998, 2007 और 2012 यहाँ पे टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट बने थे, यहाँ पे टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट बने थे, यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट बने हैं और यहाँ पे फिर 9 डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। तो अब मैं आगे की कहानी मैप के थ्रू समझाता हूँ तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं पहले डिस्ट्रिक्ट बना लेता हूँ, ये है आपका देखिए बिलासपुर रायपुर, तो बन चुका ये बिलासपुर हो गया और यहाँ पे हो गया रायपुर, ठीक है। ये दुर्ग हो गया, ये बस्तर हो गया, रायगढ़ और सरगुजा, अब और राजनांदगांव गांव यहाँ पे हो गया। अब देखिएगा मैं ये इसको बनाता हूं ऐसे करके, आप लोग लाइन देखते रहिए कहां कहां से मैं क्रॉस कर रहा हूं, पहला लाइन, दूसरा लाइन, फिर ये, फिर ये। अब यहां इससे पहले एक लाइन को ऐसे ले लीजिए और इस लाइन के पहले इसको ऐसे ले लीजिए और यहां पे ये बना दीजिए ऐसे, ठीक है। और इसी लाइन के पहले आप यहां से ऐसा ले लीजिए, ये हो गया मुंगेली और यहां से थोड़ा सा जगह होना चाहिए ये बिला, ठीक है। उसके बाद ये वाला लाइन हो गया, फिर एक लाइन यहाँ पे खींच लीजिए, ये ऐसे बनाइए और इससे नीचे ये ऐसे बनाइए और इससे ऊपर फिर ये ऐसे बनाइए और इन दोनों को जोड़ दीजिए ऐसे करके और इससे नीचे ये होना चाहिए, ठीक है। और ये एक यहाँ पे होना चाहिए, एक यहाँ पे, ये आपके, ये एक छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन हो गया। 50 सेकंड में ये कॉपी में एकदम छोटे से डायग्राम में बन जाता है, बशर्ते आप एकदम हार्ड एंड फास्ट प्रैक्टिस करिए। अब हम लोगों ने जो देखा वो ये था कि 1861 पे ये बना, रायपुर भी 1861 पे बना, ठीक है। उसके बाद दुर्ग 1906 में बन गया, फिर ये आपका सरगुजा हुआ 1948 में जब प्रोविंस सब मिल रहे थे, ये 1948 में रायगढ़ भी बना, ठीक है। और 1940 ये बस्तर है, ये 1948 में ये भी बना। तो अभी तक तो सब चीज क्लियर है। अब देखिए ये पूरा था उसमें 1972 में राजनांद गांव को अलग किया गया था यहाँ से, ठीक है। अब देखिए 1990, अब कहानी कहाँ आती है कि वो क्वेश्चन इनमें से बहुत कम पूछा जाता है, जनरली राजनांद गांव का पूछा जाता है क्योंकि एकदम अलग है। उसके बाद पूछा जाता है 1998 और 2012 जबकि जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट थे उनको याद करने का तरीका। तो अब देखिए ऊपर से आते हैं नीचे तक, ठीक है। तो इसको दूसरे ढंग से बता देता हूं, 1998 में देखिए सरगुजा संभाग का देखा जाए तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एकदम कोने वाले पोर्शन को 1998 का मान लीजिए, तो ये हो गया 1998, ये हो गया 1998, ठीक है। सिर्फ दो पोर्शन को आपको मानना है। उसके बाद बिलासपुर संभाग में आएंगे तो ये दो पोर्शन को 1998 का मान लीजिए, 1998, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं दुर्ग में आऊं तो दुर्ग में सिर्फ ये वाला डिस्ट्रिक्ट है 1998 का, 1998, ठीक है। और रायपुर में आऊं तो रायपुर में सिर्फ आपको दो मानना है, ये है महासमुंद, ये है धमतरी, तो इनको आपको मानना है 1998, 1998, ठीक है, ये दोनों को। एंड उसके बाद अगर आप लोग बस्तर में आते हैं तो बस्तर में दो है, एक कांकेर है और एक दंतेवाड़ा, तो यहाँ पे आप ले लीजिए 1998 और 1998, ठीक है। बस इतना सा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 डिस्ट्रिक्ट 1998 के एकदम आसानी से क्लियर। एक में याद कर जाएंगे दिक्कत होगा, संभाग में बांट लीजिए, डिवीजन में बांट लीजिए, आपको याद हो जाएगा सिंपल। ये दोनों यहाँ का सिर्फ एक, यहाँ का ये दोनों और यहाँ का ये दोनों, इतना सा है। उसके बाद अब आते हैं 2007 में दो डिस्ट्रिक्ट बने थे, तो देखिए ये एक्चुअली बस्तर ये पहले पूरा था, बस्तर को बांट दिया गया कि एक बस्तर था साउथ बस्तर और नॉर्थ बस्तर, नॉर्थ बस्तर को कांकेर बोल दिया गया और साउथ बस्तर को दंतेवाड़ा बोल दिया गया, ठीक है। लेकिन बाद में लगा कि ये अभी भी बहुत बड़ा है, इसको और डिवाइड करना चाहिए, तो यहाँ पे ठीक है ये दोनों चीजों आपका यहाँ पे ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को इन लोगों से अलग किया गया। तो यहाँ पे ये है 2007 और ये भी है 2007,
ठीक है, ये दोनों को, और फिर बाद में जो जो बच गए वो सारे 2012 में, मतलब 2012 में ये दोनों डिस्ट्रिक्ट बने, फिर यहाँ पे मुंगेली बना, यहाँ पे बेमेतरा और बालोद बना, और बलौदा बाजार और गरियाबंद बना, और यहाँ पे कोंडा गांव और सुकमा 2012 के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लू 2012 तो आप लोग को टोटल ये 2012 में लिखना है। आप लोग भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ 1998 वाला चीज याद रखिएगा, ऊपर के तो बहुत आसान है, बाकी एक चीज है याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन हो गया, अब हम लोग देखते हैं इसी में कुछ आगे का पोर्शन, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, अब आगे इसमें देखते हैं कि एरिया वाइज हम लोगों ने डिवीजन देखा, अब एरिया वाइज देखते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट कितने बड़े हैं। तो एरिया वाइज अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट देखें तो देखिए सबसे बड़ा आप लोग को पूरे उसमें दिख रहा होगा राजनांदगांव, तो राजनांदगांव आरएनजी लिख लेता हूं मैं, वो 8000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद आता हूं यहां पे राजनांदगांव के बाद सेकंड नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कोरबा, और थर्ड नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है नारायणपुर, एनआरपी लिख लेता हूं नारायणपुर का। तो ये मैक्सिमम में आते हैं, और मिनिमम में अगर कोई दिखता है तो देखिए सबसे पहले दुर्ग को पकड़िए, इसका है 2310 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। दुर्ग के बाद आप आ जाइए मुंगेली में, और उसके बाद आ जाइए बेमेतरा में। तो दुर्ग, मुंगेली और बेमेतरा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम डिस्ट्रिक्ट पता होने चाहिए अपन को। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, अब कुछ एडमिनिस्ट्रेट कुछ स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखिए हम लोगों को पता है कि डिवीजन आज हमारे पास 5 है, ठीक है। लेकिन जब हम अलग हुए थे 1 नवंबर 2000 में, तब हमारे पास कितने डिवीजन थे? तो तब हमारे पास डिवीजन 3 थे, लेकिन आज हमारे पास डिवीजन 5 है, ठीक है। ये हो गया 2000 की बात, और ये हो गया आज 2018 की बात, ठीक है, ठीक। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं हम लोग, डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए आज हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 27 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। और उस समय कितने थे आप यहां से काउंट कर सकते हैं? 16, ठीक है। देखिए 16 2007 में 2 आए तो 18 हुआ, और फिर 2012 में 9 आ गए, तो 27 हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं तहसील, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील पे आते हैं। तो पहले देखिए 96 तहसील हमारे पास थे जब हम अलग हुए थे, और आज के डेट पे हम लोग 150 तहसील पे हैं, इतने सारे हमारे पास तहसील हैं, ठीक है। फिर आते हैं डेवलपमेंट ब्लॉक्स, ये होते हैं जो विकास खंड होते हैं, हिंदी में बोला जाता है विकास खंड, इंग्लिश में डेवलपमेंट ब्लॉक बोला जाता है। तो ये उस समय भी 146 थे, आज भी 146 हैं, ठीक है। और इसी में ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक ब्लॉक 86 था, आज भी 86 है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं विलेजेस पे, ठीक है। तो विलेजेस को अभी हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं, ऐसा देखते हैं 20126 इतने गांव हैं छत्तीसगढ़ में, 20126। बट इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉपुलेटेड जिसको बोलते हैं आबादी वाला गांव, और एक होता है वीरान गांव जो नॉन पॉपुलेटेड होता है। तो पॉपुलेटेड को याद रख, किसी एक को याद रख लीजिए, फिर माइनस कर सकते हैं। तो पॉपुलेटेड जो विलेज है वो है आपके 19567, लेकिन ये डेटा बदलते रहते हैं क्योंकि
कोई कोई जैसे विलेज को क्लब कर दिया जाता है तो बाद में ये चेंज होते रहते हैं डेटा, लेकिन अभी तक का जो डेटा था वो था 19567, इतने जो गांव थे वो पॉपुलेटेड थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सब डिवीजन, जो उप संभाग बोला जाता है, और सब तहसील, इनकी काउंटिंग है। सब डिवीजन की काउंटिंग 88 है आज के डेट पे, और सब तहसील की काउंटिंग 56 है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इसको हम लोग देख लिए। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं देखते हैं कुछ, जैसे कि लोकल गवर्नेंस, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे पंचायती राज और फिर देखेंगे हम लोग पॉलिटिकल यूनिट। ये तीन चीजों को हम लोगों का इसका डेटा हम लोग को देखना है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए लोकल गवर्नेंस मतलब जो हम लोग का रूट लेवल पे जो गवर्नेंस होता है वो, तो यहाँ पे तीन चीज है, एक तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, उसके बाद आता है म्युनिसिपैलिटी और आता है नगर पंचायत। ठीक है, ये नगरों में होता है और उसके बाद छोटे नगर में, गांव में नहीं। ठीक है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और नगर पंचायत, इसकी क्वांटिटी या इसके नंबर्स कितने हैं, तो आज के डेट पर देखा जाए तो देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब नगर निगम को बोला जाता है, वो 13 है। तो पूरे 13 को याद करने का तरीका बताऊंगा कि कहां कहां पे क्या क्या है, थोड़ा सा वेट करिए। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी 44 है और नगर पंचायत है आपका 113। तो 13, 44, 113, ये 13 और ये 13 कॉमन है और 44 याद रखना है। उसके बाद इसमें आते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज में भी अब तीन लेवल पे है, तीन टायर पे है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जनपद पंचायत आता है और आता है विलेज पंचायत, जिसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। ठीक है, और पॉलिटिकल यूनिट में आते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ठीक है, ये तीन चीज हैं। अब इनकी डिस्ट्रिक्ट पंचायत कितने होंगे, देखिए जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उतने पंचायत हैं, तो 27 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 27 पंचायत होंगे। जनपद पंचायत का देखिए कितने हमारे डेवलपमेंट ब्लॉक्स किए थे, 146, तो 146 ही होंगे हमारे जनपद पंचायत। और विलेज पंचायत है 10,971। ठीक है, तो मन में आता होगा कि 20,000 तो गांव थे, 20,126 और 10,000 विलेज पंचायत है, तो बिल्कुल ऐसे पंचायत बनाने के लिए भी एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपको इतने नंबर, इतने लोग होने चाहिए, और जब नहीं होते किसी गांव में तो फिर 2-3 गांव को क्लब करके बनाया जाता है। तो टोटल हमारे पास 10,971 विलेज पंचायत है। लोकसभा की हमारे पास 11 सीटें हैं, राज्यसभा की हमारे पास 5 सीटें हैं और विधानसभा की हमारे पास 90+1 है। ये 90+1 क्या होता है, यहाँ पे 1 एक एंग्लो इंडियन होता है, तो जनरली हर स्टेट में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि हर स्टेट में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करना होता है, गवर्नर करता है नॉमिनेट, बट उसका कंडीशन ये होता है कि अगर 90 विधानसभा सीट में से कोई एक एंग्लो इंडियन ही सेलेक्ट होके आ गया तो फिर इसको नॉमिनेट नहीं करते और 90 सीट्स होते हैं। लेकिन ये पूरे 90 सीट में कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं है तो फिर एक एंग्लो इंडियन को गवर्नर को नॉमिनेट करना पड़ता है और वो एक होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो गया कि कैसे मतलब कितना कितना हमारे पास क्या क्या चीज है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग कुछ देखते हैं इसमें, जैसे कि एक होता
लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट दूसरे स्टेट के साथ टच नहीं करते हैं, अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, उनको लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। तो हमारे देखिए ये टोटल 9 है, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है एग्जाम में कि कितने हैं लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट। तो ये 9 है, एक तो आपको ये नंबर याद रखना चाहिए 9 दिमाग में, और दूसरा अगर वो पूछता है कि क्या ये चारों में से कौन है कौन नहीं है, तो वो रटा हुआ नहीं होना चाहिए, समझा हुआ होना चाहिए। भाई आप तुरंत मैप बनाओ, या फिर एक काम आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्जाम हॉल में, तुरंत ओएमआर शीट में आप भरते रहते हैं सब चीज डेटा वेटा, उसके बाद कुछ देर बाद आपको क्वेश्चन पेपर खोलने की अनुमति मिलती है, तो उसके पहले आप क्वेश्चन पेपर के पीछे जहाँ पीछे साइड है वहां पे एक छोटा सा जल्दी जल्दी एक मैप बना लीजिए, उसमें सब डिस्ट्रिक्ट कर लीजिए, ताकि बीच पेपर में आपको वो सब बनाना ना पड़े, ठीक है। तो लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट में तो कोई भी नाप सकता है। देखिए ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, पूरे संभाग में चलते हैं, ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो लैंड लॉक है। अब देखिए ये सब बाउंड्री से अटैच है, ये और ये वाला डिस्ट्रिक्ट है लैंड लॉक, ठीक है। यहाँ पे ये सब है, ये और ये है। उसके बाद अगर देखा जाए बलौदा बाजार, ये भी है, बाकी सारे तो वो कहीं ना कहीं है, फिर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सिर्फ ये है। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ आपके एक हो गए आपके सरगुजा, उसके बाद यहां पे आ गए कोरबा, जांजगीर चांपा, उसके बाद ये दोनों को आप, ये तीनों को ले लेना है, ये हो गए आपके बेमेतरा, ये दुर्ग, और ये हो गया बालोद। फिर यहां पे आते हैं तो रायपुर और बलौदा बाजार आपके वो हो गए। उसके बाद यहां पे सिर्फ दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिंपल तरीका है याद रखने का, कोई एकदम बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि 9 को याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये 9 हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेबरिंग बाउंड्रीज, ठीक है। देखिए नेबरिंग बाउंड्रीज भी कई लोगों को मैंने देखा है रटते हुए, ऐसा वो नहीं करना है। देखिए इसमें क्या करना है, नेबरिंग बाउंड्रीज मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट के साथ अटैच हैं। तो देखिए आप यहां पे दो लाइन खींच लीजिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां जशपुर में एक लाइन खींच लीजिए, फिर से रिपीट करता हूं, ये बलरामपुर है, बलरामपुर में आपने दो लाइन खींचा, जशपुर में आपने एक लाइन खींचा, आप सुकमा में भी दो लाइन खींच लीजिए ऐसा। और उसके बाद आता है यहां पे बीजापुर में भी एक लाइन, और एक लाइन होता है राजनांदगांव में, बस इतना ही करना है, यहां पे दो लाइन, यहां पे दो लाइन, यहां पे एक, यहां पे एक, और यहां पे एक। ये बताता क्या है, ये बताएगा आपको कि आप कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसे ये वाला एरिया यूपी में आता है, ये एरिया आता है आपका झारखंड में, झारखंड, ये पूरा एरिया आता है उड़ीसा में, ये वाला जो एरिया आता है वो आंध्र प्रदेश है, ये है तेलंगाना का, और ये वाला एरिया है वो है महाराष्ट्र, और ये है मध्य प्रदेश। तो टोटल कितने हो गए, तुरंत आपको पता चल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 स्टेट के साथ हम छत्तीसगढ़ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, और आप बिल्कुल यहां से गिन सकते हो कि यूपी बिल्कुल एक डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। झारखंड 1 2 2 के साथ कर रहा है, उड़ीसा 1, ठीक है, उड़ीसा यहां से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उड़ीसा 8 के साथ शेयर करता है, आंध्र प्रदेश 1 के साथ शेयर करता है, तेलंगाना 1 और 2 2 के साथ शेयर करता है, महाराष्ट्र 1 2 3 4 तो 4 के साथ शेयर करता है, मध्य प्रदेश हो गया 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 के साथ शेयर करते हैं। तो आप आराम से निकाल सकते हो कि कौन किसके साथ शेयर करता है, और कहीं शेयर करता भी है कि नहीं। और जो ये याद रखिएगा कि धमतरी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे मतलब कम बाउंड्री शेयर करता है दूसरे के साथ, बाकी लोग ज्यादा ज्यादा करते हैं, बट धमतरी इज द लीस्ट, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का, ये भी हो गया। अब लास्ट हम लोग देखते हैं, 2 टॉपिक बचा है बस, वो है इसमें हम लोग देखते हैं कि कहां कहां पे नगर निगम है और कहां कहां पे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो हम लोग देखते हैं नगर निगम और
लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। टोटल नगर निगम है 13 और ये है 11। मैं क्यों इसको जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये सारे याद करने वाले होते हैं और मैप से बन जाते हैं। फिर हम लोग जब टॉपिक वाइज टॉपिक जाते हैं तो उसमें हम लोग स्पेसिफिक हो जाते हैं कि मिनरल कहाँ है, सॉइल कहाँ पे है, वगैरह वगैरह। तो अब आते हैं नगर निगम। नगर निगम को याद करने का तरीका देखिए, संभाग में चलते हैं तो संभाग में 5 संभाग है। तो सबसे पहला ऊपर वाला जो संभाग है उसको लेते हैं, और अंबिकापुर में 2 जगह है, एक तो चिरमिरी में है और एक अंबिकापुर में है। तो यहां लिख लेता हूं चिरमिरी प्लस अंबिकापुर, यहां पे नगर निगम है। फिर यहां पे आता हूं तो देखिए बिलासपुर एक नगर निगम जोन है, कोरबा है और रायगढ़ है। तो आता है बिलासपुर प्लस कोरबा प्लस रायगढ़, ठीक है। तो 5 तो यही कंप्लीट हो गए। फिर दुर्ग में आता हूं तो दुर्ग में देखिए बाकी सब जगह नहीं है, राजनांदगांव है, राजनांदगांव यहां पे भिलाई दुर्ग और चरोदा 3 जगह है, भिलाई दुर्ग प्लस चरोदा यहां पे। तो 3 नगर निगम तो दुर्ग संभाग में ही आ जाता है। उसके बाद आते हैं यहां पे तो रायपुर संभाग में 1 आता है रायपुर में, ठीक है, प्लस यहां पे धमतरी में 1 है, धमतरी, ठीक है। और यहां पे तो 1 ही है, वो है जगदलपुर। तो फाइनली पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2, अच्छा हाँ, और रायपुर में 1 यहां पे भी है, वो है बीर गांव। तो ये 3 है रायपुर संभाग में। तो टोटल 13 हो गए कंप्लीट, ये नगर निगम के हो गए। वैसे ही अगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में चलना है तो फिर मैं संभाग संभाग में चलता हूं, ठीक है। तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 ही है सरगुजा डिवीजन में, वो है सरगुजा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इस संभाग में आता हूं तो देखिए बिलासपुर में है, कोरबा में है, जांजगीर चांपा में है और रायगढ़ में, चारों में है। तो बिलासपुर कोरबा प्लस जांजगीर चांपा प्लस रायगढ़, ये 4 आपके हो गए। अब यहां पे आता हूं तो एक तो पड़ेगा यहां पे राजनांदगांव और दुर्ग, राजनांदगांव प्लस दुर्ग। फिर इस संभाग में आता हूं रायपुर में तो एक रायपुर पड़ता है और यहां पे और कहीं नहीं है, महासमुंद है। तो रायपुर और महासमुंद, ठीक है। और यहां पे 2 ही है बस्तर में, कांकेर और एक बस्तर खुद। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था जो छत्तीसगढ़ का हम लोगों ने कवर किया इस चैप्टर में। ऐसे तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे जो हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन में कंप्लीट कुछ चैप्टर्स पढ़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए 90% या 80% जितना भी कहें वो कवर अप हो चुका है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, और कुछ भी रिक्वेस्ट होगा, कुछ भी ऐसा सजेशन होगा तो मेरे लिए तो बताइएगा बिल्कुल। सो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू सो मच।